मेरा नाम है निर्मल सिंह धालीवाल। नेशनल लेवल की जो मान्यता प्राप्त पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका मैं कैंडिडेट हूँ पटियाला लोकसभा हल्के से। शिक्षा के बारे में हमारी बहुत क्लियर लाइन है। हमारी पार्टी चाहती है कि देश में जो शिक्षा है वो सभी के लिए उपलब्ध हो और उसका मेयार भी अच्छा हो और इक्वली सबको वो मौका मिले, वे हर तरह की शिक्षा अफोर्डेबल हो, हर किसी की पहुंच में हो, हर कोई उस शिक्षा को प्राप्त कर सके, उसका मेयार भी ऊंचा उठाएंगे। सड़कों का जहां तक है, इस देश में साधनों की कोई कमी नहीं। सरकारों ने अपने देश को कॉरपोरेट हाउसेस को लुटवा कर अब ये बोलते हैं हमारे बजट में पैसा नहीं। इससे पहले भी बजट में पैसा था। हम टैक्स प्लानिंग करके, एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करके सड़कें, गांवों को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कों की हालत ख़राब है। जो सड़कें अच्छी दिख रही हैं अब, वो प्राइवेट लोग बना रहे हैं और लोगों को टोल प्लाजा के जरिए, टोल टैक्स के जरिए 30-30 साल तक उस सड़कों का कहीं ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार भी है। हम ये सब व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। देखो, ये कानून होता बनता है, कानून तो बनते पहले ही बनते हैं। हमारा उसके इसको और सख्त कानून बनाकर ज़्यादा जोर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देना होगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जो महिलाओं पर अत्याचार करने वाले या जिनसे असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, वो सब बड़े लोगों उन लोगों के कहीं ना कहीं रसूखदार लोगों से ताल्लुकात होते हैं। हमें ऐसी ढील नहीं देंगे तो अपने आप ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। देखो, पहले साल में ये जो जितना देश का हाल बिगाड़ा हुआ पिछले 1991 से लेकर, उस हाल को ठीक करने में कोई साल दो साल का समय तो लग सकता है अगर हमारी तीसरे फ्रंट की सरकार आती है तो। हम अपनी भूमिका एज मेंबर पार्लियामेंट, जो बातें मैं बताकर हटाऊँ, महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोज़गारी को कंट्रोल करना और जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज हैं जिसको साम्राज्यवाद हमारे साधनों की लूट करता है, उन साधनों को अपना प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसको देश की लूट ना होने देना, औरतों के लिए राखवें करने का कोटा, नौजवानों के लिए रोज़गार का प्रबंध करना, ये हमारी प्रायोरिटीज़ होगी।